हेलो फ्रेंड, आज बनाऊंगी उपमा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रावा से बनता है, सूजी से। इसके लिए देखिए, मैंने चॉप्ड किया हुआ ऑनियन ले लिया है, ये ग्रीन बीन्स है, ग्रीन चिल्ली, कड़ी पत्ता, ये चना दाल है, ये उड़द दाल है, ब्लैक ग्राम, और ये टमाटर है। ये रावा है, मैंने एक बाउल ले लिया है, और ये पीनट है, मूँगफली, और पैन मैंने गरम कर लिया है। पैन को मैंने गैस पर रख लिया, इसको गरम करके मैं इस सूजी को थोड़ा 5 मिनट तक भूनूंगी मैं इसको। तो हल्का हल्का रेड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना है, बस थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। देखिए मैंने फ्राई कर लिया इसको। उसके बाद उसी पैन में मैं ऑयल डालूंगी और मूँगफली को मैं फ्राई करूँगी ऑयल में। दो से तीन मिनट लग जाता है फ्राई करने में। देखिए इसको, मूँगफली को मैं बाउल में मैं निकाल लूँगी। उसके बाद उसी पैन में उसी ऑयल में मैं मस्टर्ड सीड डालूँगी, राई, जीरा डालूँगी एक एक स्पून दोनों, ग्रीन चिल्ली डालूँगी, कटी हुई ग्रीन चिल्ली, और करी लीव्स डालूँगी मैं, कड़ी पत्ता। उसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से, 1 मिनट तक फ्राई करूँगी मैं। उसके बाद इसमें चना दाल भी डाल दूँगी, भिगोया हुआ चना दाल है, मैंने 4 घंटे 5 घंटे के लिए भिगो लिया था, और उड़द दाल है, ब्लैक ग्राम, इसको भी मैंने भिगो लिया था। इसको मैं एक एक डेढ़ डेढ़ स्पून डालूँगी मैं, 1 से 2 चम्मच, और ये ग्रीन बीन्स है, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है एकदम, और ये ऑनियन है चॉप्ड किया हुआ बारीक कटा हुआ ऑनियन, इसको मैं फ्राई करूँगी, रेड होने तक मुझे फ्राई करना है इसको। उसके बाद थोड़ा सा मैं सॉल्ट भी डाल दूँगी। देखिए ऑनियन हमारा रेड हो चुका है, थोड़ा हल्का हल्का रेड। अभी इसमें पीनट भी डाल दूँगी, मूँगफली भी। देखिए पूरा ऑनियन हमारा रेड हो गया। उसके बाद मैं टमाटो भी डाल दूँगी, और थोड़ा सा रेड चिल्ली भी, 1 चम्मच। तीखा आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो आप। उसके बाद मैं रावा डाल दूंगी, सब कुछ फ्राई होने के बाद, अच्छे से फ्राई करने के बाद इसको मैं मिक्स करूंगी 1 मिनट तक। और उसी बाउल से मैं एक बाउल अगर रावा डालेंगे तो 3 बाउल में उसमें पानी डालूंगी। 2 बाउल, देखिए तीसरा बाउल भी मैं पानी का डाल दूंगी, और इसको 2 मिनट तक आप इसको कवर करके आप पका सकते हैं, पानी एकदम सूख जाएगा। देखिए बहुत जल्दी पानी को ये सूख जाता है इसमें। और देखिए मैं ये बन के बिल्कुल रेडी है, मैंने सर्व कर लिया एक बाउल में डाल के। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।